मैं भी अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं। एक बात मैं भी बहुत सारे लगभग कई दशकों से विद्यार्थी जीवन से अनेक प्रदेशों में गया हूं, अनेक विधानसभा लोकसभा के चुनाव में मैंने भाग लिया है, लेकिन जिस प्रकार का जुनून और जोश मैंने यहां देखा जब मैं विराटनगर पहुंचा और उसके बाद जिस प्रकार से हमारे नौजवान भाई वहां हेलीपैड से लेकर ये सभा स्थल तक जिस प्रकार गाड़ी के आगे दौड़ रहे थे, मैं कह रहा था कुलदीप जी से कि थोड़ा गाड़ी धीरे करिए, कहीं ऐसा ना हो किसी को चोट लग जाए, ऐसा जरूर मैंने पहले कभी नहीं देखा। और यहां जब मैं पहुंचा हूं और जितनी देर से मैं देख रहा हूं, क्योंकि इतना कुलदीप जी से मेरा बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है, इसलिए मैंने आज पूरा दिन का ज्यादातर समय इन्हीं के लिए यहाँ के लिए दिया हुआ था। आप सब लोगों के लिए ही आज मैंने अपना समय आरक्षित कर रखा था कि आप लोगों के बीच में रहूंगा, लेकिन काफी देर से जनसभा चल रही है और जितने लोग जब सभा शुरू हुई तब थे उसमें से एक भी कम नहीं हुआ, सारे के सारे वैसे बैठे हुए। इसलिए मेरे मन में, मैं जब यहां आया हूं, मेरे मन में 1% का भी अब संशय नहीं है कि विराटनगर विधानसभा से कमल खिलने वाला है और बड़े बहुमत से कुलदीप जी 3 दिसंबर को जिस दिन रिजल्ट आएगा यहां से विधायक चुने जा रहे हैं, आप लोगों ने तय कर लिया है। मैं आप सब लोगों के बीच में आज देवभूमि उत्तराखंड से भाई कुलदीप जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और विराटनगर का जो ऐतिहासिक पौराणिक जो महत्व है वो पूरे भारतवर्ष के लोग, दुनिया के लोग जानते हैं। जिस भूमि से भगवान कृष्ण का भी संबंध है, और ये वही विराटनगर है, मैंने अभी पूछा था कुलदीप जी से जब गाड़ी में आ रहा था कि जहां पूरी कौरवों की फौज को अर्जुन ने अकेले पांडव ने परास्त कर दिया था, यही तो मैं आज आप सब लोगों से भी कहने आया हूं कि जो कांग्रेस का कुशासन है, कांग्रेस का जो दुशासन है, उस दुशासन को 25 तारीख को जिस दिन वोट होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, अपने वोटों से इस कांग्रेस को परास्त कर दीजिए और साफ कर दीजिए। भाइयों बहनों, यहां भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल भी हम सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से यहां तेजी से विकास हुआ है। मैं पिछले दिनों जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर चलाई थी, उस परिवर्तन यात्रा में मैंने भाग लिया था और मैंने देखा किस प्रकार से लोग कह रहे थे कि 5 सालों के अंदर अनेक प्रकार से जो विकास के काम चल रहे थे उन विकास के कामों को रोकने का काम हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो दिल्ली से पैसा भेज रहे थे यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के बिजली के लिए, यहाँ के पानी के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के किसान भाइयों की सिंचाई के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए, वो सारा का सारा पैसा आप सब तक नहीं पहुंचने दिया गया, बीच में ही रोक दिया। भाइयों बहनों, अभी कह रहे थे ना कितने दिन पानी आ रहा था, 7 दिन में एक बार पानी आ रहा। भाइयों बहनों, आखिर क्या हालत कर दी है ये आपने, दोनों ही कार्यकाल देख लिए, पहले का कार्यकाल भी आपने देखा और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, वसुंधरा दीदी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल ने
राजस्थान को एक नई दिशा देने का काम हुआ था। उस सारे कार्यकाल में जो काम हुए थे उन सभी कामों को रोकने का काम हुआ है और 5 सालों में राजस्थान की दशा और दिशा दोनों ही बिगाड़ने का महापाप किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है भाइयों बहनों। और इस महापाप की जो सजा है राजस्थान की जनता कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके लेगी। आप सभी लोग हाथ उठाकर बोलिए कांग्रेस को इस महापाप की सजा देंगे ना, देंगे या नहीं देंगे, जोर से बोलिए देंगे। भाइयों बहनों हम सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है, वैश्विक रूप से भारत के प्रति दुनिया के मन में एक विश्वास का भाव पैदा हुआ है। अभी पिछले दिनों में इंग्लैंड की यात्रा पर गया था और वहां के बहुत सारे मंत्रियों से मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और वो सारे के सारे मंत्री भाई बहनों जब भारत की चर्चा कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे थे तो एक भारतवासी होने के नाते केवल मेरा ही सीना चौड़ा नहीं हो रहा था, मैं समझता हूं कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सीना चौड़ा होता है जब दुनिया के ऐसे दोस्त जिन्होंने कई वर्षों वर्षों तक हम पर राज किया, जिन अंग्रेजों का शासन रहा, उन अंग्रेजों के मंत्री उन देशों के शासक आज भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। यह नया भारत जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है, अभी अभी G20 हुआ, G20 जिसमें दुनिया के 20 प्रमुख देशों ने भाग लिया, 9 इनवाइटी देशों ने भाग लिया और इस G20 में जो भारत के अनेकों अनेकों शहरों में हमारे विदेशी मेहमान गए उन्होंने पूरे भारत को देखा जिस प्रकार से भारत की प्रगति हो रही है। आज दुनिया मानती है कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है, भारत तेजी से विकास कर रहा है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों भारत का लोहा एक नहीं अनेकों बार दुनिया के लोगों ने माना। कोरोना महामारी में जब पूरी दुनिया ये समझ रही थी और WHO भी कह रहा था कि भारत आने वाले समय में जब कोरोना बढ़ेगा तो पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, ऐसे समय में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सूझबूझ से 140 करोड़ देशवासियों को जहां मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम हुआ, वही किसी भी गरीब के घर का, किसी रिक्शे वाले का, किसी ठेले वाले का, किसी पान वाले का, किसी मजदूरी करने वाले का, उसके घर का चूल्हा न बुझे, उसको भूखे पेट न सोना पड़े, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया भाइयों बहनों। उसका परिणाम है कि आज देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अन्न और उसके साथ मिलने वाली अन्य चीजें लगातार मुफ्त में प्रदान की जा रही है और ये योजना दिसंबर तक विस्तारित हुई थी 2023 तक और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब ये योजना अगले 5 सालों तक और चलेगी, अगले 5 सालों तक लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम होगा। भाई बहनों इतना ही नहीं, जहां पूरे देशवासियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम हुआ, सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी ऐसे संकट के समय में भारत की सरकार ने 100 से भी ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने का काम किया। उसके कारण से जो हम पहले से कहते थे, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, हम कहते थे अयम निगम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैवं कुटुम्बकम्, जो हमारी संस्कृति है कि हम पूरी दुनिया को अपना संसार मानते हैं, ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। ये भारत की संस्कार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का काम किया भाइयों बहनों। उसके कारण से पूरी दुनिया के अंदर भारत की साख बढ़ी और इसी कारण से आज भारत के पीछे दुनिया खड़ी है, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। आज पहले का समय था 2014 से पहले की अगर हम बात करें
तो भारत विश्व के बड़े बड़े मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाता था, अपने हकों की लड़ाई भी नहीं लड़ पाता था। आज का भारत, आज कोई भी दुनिया के अंदर घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। यह है नया भारत। आपने देखा अभी रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, रूस यूक्रेन के युद्ध के समय में जब हमारे देश के बच्चे वहां फंस गए थे, यूक्रेन में मैं समझता हूं उत्तराखंड के बच्चे भी फंसे थे, हमारे राजस्थान के बच्चे भी होंगे वहां जो पढ़ने गए होंगे, विराटनगर के भी होंगे, पावटा के भी होंगे, लेकिन उन सारे बच्चों को लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब रूस और यूक्रेन दोनों के ही राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया और 4 घंटे तक युद्ध विराम हो गया, सारे के सारे बच्चे हमारे भारत को निकलकर आ गए। इतना ही नहीं, जहां भारत के बच्चे तो बाहर आए, जो हमको रात दिन गाली देने का काम करते हैं, हमारे यहां आतंकवाद बढ़ाते हैं, अलगाववाद बढ़ाते हैं, जिहाद को बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे देशों के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए अपने कंधों पर भारत का तिरंगा लेना पड़ा। भाइयों बहनों, भारत का तिरंगा लेकर वह भी जो है वहां उस देश से निकले। यह नया भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से लेकर 19 तक आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था और 2019 से 2024 तक का जो हमारे देश की आकांक्षाएं थी, अपेक्षाएं थी, उनको पूरी करने का एक कालखंड था। और 2024 से 2029 तक का जो समय है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2027 आते आते जो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जो आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई 11वें नंबर से, आने वाले समय में वो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारी स्थापित हो जाएगी और भारत विश्व गुरु बनने के मार्ग पर प्रशस्त होगा। भाइयों बहनों, आज खुद का अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस छोटे छोटे दलों का सहारा ढूंढ रही है, छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है। ये छोटे छोटे दलों की बिखरी हुई ताकत के भरोसे फिर से अपनी जिंदगी ढूंढ रही है। ये मिलावट की सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस को जीवित करने के लिए काम हो रहा है। इस महामिलावट का हिस्सा कौन लोग हैं? वो लोग जो कभी एक दूसरे को आंख से आंख भी नहीं मिलाते थे और आज वो एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं। ये बेमेल गठबंधन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। आपने देखा है आपके प्रदेश के अंदर किस प्रकार के काले कारनामे हुए हैं, मैं उस पर बहुत विस्तार से नहीं जाता, क्यों जी बहुत हुए हैं, इतने हुए हैं, कोई लाल डायरी का कारनामा है आप लोग जानते हैं, भली बात ही जानते हैं, उदयपुर का कारनामा हुआ, कन्हैया भाई के साथ किस प्रकार से है, हमारे कन्हैया